सीतापुर में ऑनलाइन फर्जी कंपनी बनाकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जिसमें नाइजीरिया के दो विदेशी नागरिकों समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि शहर के रहने वाले खुशीराम अग्रवाल से इस गिरोह ने एक्सरे फिल्म भेजने के नाम पर 75,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस की छानबीन में प्रकाश में आए दो विदेशी नागरिकों सहित कुल 7 अपराधियों अकरन वीरेंद्रपाल, मोहम्मद अनस मैनेजर अनवर उर्फ सहित ओसुजी यू टिमोथी पुत्र ओसुजी निवासी लोगो स्ट्रीट विक्टोरिया आइसलैंड नाइजीरिया हालपता डेविल रोड दिल्ली तथा ओलिवर पुत्र आईजी निवासी लोगो स्ट्रीट विक्टोरिया आइसलैंड नाइजीरिया हालपता डफलिन रोड थाना सीकरी दिल्ली पंकज ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 75,000 रुपए नगद 3 सिम कार्ड 12 अदद मोबाइल व 29 अदद सिम कार्ड मिले। अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है तथा गिरोह का संचालन नाइजीरियन नागरिक ओल्वर तथा ओसुजू उपरोक्त द्वारा किया जाता है। इन लोगों द्वारा मोबाइल से वार्ता कर ग्राहक को अपने झांसे में लिया जाता है तथा उनसे अधिक से अधिक पैसा मांगकर पहले से तय हिस्से में बांट लेते हैं तथा धोखाधड़ी में प्रयुक्त आधार कार्ड में दिए गए पते को कूट रचित तरीके से बदल देते हैं। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध दिल्ली तथा जनपद बरेली में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। दिल्ली में रहते हैं और इसमें 5 अन्य लोग हैं, जिसमें से 3 पीलीभीत से और 2 बरेली से। इनका जो गिरोह है वो बड़े संगठित रूप से काम करता है। इसमें व्यापारी या किसी व्यक्ति को जिसको ठगना है उससे जो बात करते हैं वो इंग्लिश में अन्य चीज़ों में जो व्यक्ति है वो करते थे और उनको जो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड करना था, जिसमें कि अलग अलग लोगों के नाम पर फर्जी पते पे सिम कार्ड उपलब्ध कराना या मोबाइल फ़ोन से या जिन अकाउंट में पैसा मंगवाना है वो अकाउंट भी यहाँ के लोकल बैंक के होते थे, तो वो अकाउंट भी किसी गांव के व्यक्ति पीलीभीत से या बरेली से पकड़े ये लोग वो अकाउंट उनको प्रोवाइड करा देते। उसका ATM कार्ड, उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका पासबुक, ये सभी उन्हीं लोगों के पास में रहता था और इनको ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो एक कट भी देते। जितना पैसा वो कमाते थे उसमें से कुछ पैसा ये चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए इनको भी उपलब्ध करा दिया जाए। इस घटना पे जब काम करना चालू है तो पूरे सभी गैंग को आज पकड़ा है और इसमें 2 विदेशी नागरिक को इसको पूरा बातों को करना और ऑपरेट करना करा देते हैं और 5 अन्य लोग तो इस पूरे सिस्टम का सपोर्ट उनको देते हुए सब चीज़ें फर्जी पते पर उपलब्ध कराना अकाउंट कराने के रास्ते 7 को अरेस्ट किया। इनके पास से 75,000 रुपये बरामद हुई। हमारे जो व्यापारी के साथ घटना हुई थी उसमें भी 75,000 रुपये जमा कराए गए। इसके अलावा 12 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए और 29 सिम कार्ड बरामद हुए। इन सिम कार्ड का उपयोग करके ये सब घटनाएं कार्य की जा रही है। 3 ATM कार्ड बरामद हुए। इनसे और भी पूछताछ हम लोग करेंगे ताकि अन्य कहाँ कहाँ इन्होंने घटनाएं की वो पता चले। ताकि जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि उन्हें बरेली और दिल्ली में कुछ घटनाएँ की है, परंतु अभी उनके FIR नंबर पता करा है जिनसे डिटेल में पूछताछ करती है। उन घटनाओं को भी इससे लिंक किया है। ये लोग अक्सर कितने दिनों से रेजिस्टर कर रहे हैं, भेजा कितने दिनों का? ये इनसे अभी जो पूछताछ हुई है ये लगभग 1.5 साल से इस टाइप की घटनाएं कर रहे हैं और इनका संपर्क भी दिल्ली और बरेली के लोगों से है।